आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो आप सबके लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ नंबर्स। सो हम लोग इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं नंबर्स के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं और उनका एग्जाम्पल क्या क्या है। सो मेरा फर्स्ट नंबर है नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, एज द डेफिनेशन सेज काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ये अप टू इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर्स हैं, गिनती की संख्या हैं, तो ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। जितनी भी गिनती की संख्या वो हमारे किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में। नेक्स्ट नंबर है हमारा होल नंबर। सो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। हमने इससे पहले क्या देखा, नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर भी जीरो, अगर जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो नंबर क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोला जाए कि होल नंबर आप लिखिए, तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे एग्जांपल में वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, so on, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। होल नंबर और नेचुरल नंबर में ये हमेशा याद रखिएगा, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है और होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट इज इंटीजर्स। सो हम लोग इंटीजर्स कैसे डिफाइन करेंगे, ऑल होल नंबर्स टुगेदर विद नेगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स मीन्स कहाँ से स्टार्ट होता है होल नंबर्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड बोला था एंड सो ऑन। इसके साथ बोला गया विद नेगेटिव नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर -1, -2, -3, -4, -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया। अगर हम होल नंबर में नेगेटिव नेचुरल नंबर को ऐड कर दें तो वो क्या बनता है, इंटीजर्स बनता है। सो यहाँ तक हमारा होल नंबर था, ठीक है, और उसके बाद ये, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है बट साइन क्या है, नेगेटिव है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, दीज आर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट इवन नंबर्स। इवन नंबर जिसको हम लोग सम संख्या भी बोलते हैं, दोज नेचुरल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ऐसी नेचुरल संख्या जो दो से डायरेक्टली डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिविजिबल इट मीन्स डायरेक्टली डिविजिबल, उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। ऐसा नेचुरल नंबर जो दो से डायरेक्टली डिविजिबल हो, या तो अगर हम एक और मॉडिफाई करते हैं इस डेफिनेशन को, ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, जिसके यूनिट प्लेस पे, ठीक है, ये कहाँ होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसा नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो इवन नंबर्स होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इवन नंबर कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल 2 हमारा इवन नंबर, देन 4 इवन नंबर, 6 इवन नंबर, 8 इवन नंबर, 1, 0। सो 0 देखिए आप किस पे, यूनिट प्लेस पे, ये इवन नंबर है। 1, 2 यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, ये इवन नंबर है। 1, 4 यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा, 4 है। 1, 6 यूनिट प्लेस पे क्या है, 6 है। 1, 8, 2, 0 यहाँ भी यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है। मैंने क्या बोला, यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 लाइक कोई एक नंबर है 2, 4, 6, 5, 7, 8 तो ये देखेंगे ये इवन नंबर है या नहीं है। यूनिट प्लेस पे क्या है, 8 है, यूनिट प्लेस पे 8 है, इट मीन्स ये हमारा इवन नंबर है। ये जो नंबर है ये क्या हमारा, इवन नंबर है। सो दो
तरीका डिफाइन करेगा, दोज नेचुरल नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। एग्जांपल्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। और दूसरा मैंने क्या बताया कि कोई भी नंबर अगर कोई बड़ी संख्या दी हुई है, फाइंड आउट करना कि वो इवन नंबर है या नहीं है। तो देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से कोई संख्या यूनिट प्लेस पे है, इट मीन्स वो गिवन नंबर इवन नंबर है। नेक्स्ट नंबर ऑड नंबर। सो दोज नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे इवन और ऑड, यहाँ डिफरेंस दिख रहा है। ऑड नंबर वो संख्या है जो कि दो से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं होता, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं, वो होता है ऑड नंबर। इसको हम लोग विषम संख्या भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी संख्या है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन। और अगर इसको मॉडिफाई करें इस डेफिनेशन को, तो ऐसी संख्या जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5, 7, 9 अगर कोई बड़ी संख्या दी हुई है और बोला जाता है कि ये पता कीजिए कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो देखेंगे उसका यूनिट प्लेस पे क्या है। अगर यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो ऑड नंबर होगा। एक एग्जांपल, जैसे मैंने कोई यहाँ पे नंबर लिखा है 2, 6, 5, तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। इट मीन्स ये गिवन नंबर क्या है हमारा, ऑड नंबर है। ये गिवन नंबर क्या है, ऑड नंबर। यहाँ पे मुझे डिवाइड करके देखने का ज़रूरत नहीं है कि हम दो से डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली डिवाइड होता है या नहीं होता है, हम डायरेक्टली यूनिट प्लेस को देखेंगे। यूनिट प्लेस क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो ऑड नंबर है। नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर्स। दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड हैविंग ओनली टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो और उसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, इट मीन्स सिर्फ दो ही नंबर से वो डिविजिबल हो, एक वो एक से डिविजिबल हो और नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल हो, तो उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, देन नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, नेक्स्ट प्राइम नंबर 17, नेक्स्ट 19, नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 29, नेक्स्ट 31 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो का दो ही फैक्टर है, एक तो ये एक से डिवाइड होता है और एक दो से डिवाइड होता है। थ्री को देखेंगे तो थ्री भी वन से डिवाइड हो सकता है और थ्री से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। फाइव, ये भी वन से डिवाइड हो सकता है, फाइव से डिवाइड हो सकता है। सेवन, वन से डिवाइड हो सकता है और सेवन से, और किसी भी दूसरी संख्या से ये डिवाइड नहीं हो सकता, ये वन से और इलेवन से। थर्टीन, वन से एंड थर्टीन से। सेवेंटीन, वन से सेवेंटीन से। नाइनटीन, वन से डिविजिबल है नाइनटीन से। ट्वेंटी थ्री, वन से डिविजिबल है ट्वेंटी थ्री से डिविजिबल है। ट्वेंटी नाइन भी वन से डिविजिबल है ट्वेंटी नाइन से डिविजिबल। अगर देखेंगे कि वन, अब क्वेश्चन में आ रहा कि वन हमारा प्राइम नंबर क्यों नहीं हो सकता है, सो देखिए वन सिर्फ और सिर्फ खुद से ही डिविजिबल है। तो यहाँ पे सबसे पहला रीज़न तो यहाँ इसका एक ही फैक्टर है, वो है वन। एंड सेकेंड, डेफिनेशन में क्या बोला है, विच आर ग्रेटर देन वन, ऐसी संख्या जो एक से बड़ी हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर सकता है ना, तो इसीलिए वन जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा, सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है वो है टू, वन नहीं। कई बार ऑप्शन में वन भी होता है और लोग टिक आउट करते हैं वन को, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है, सबसे छोटी प्राइम नंबर टू है। नेक्स्ट नंबर कंपोजिट नंबर। दोज नंबर्स विच आर मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। हमने इसे पहले क्या देखा था, प्राइम नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो सकते हैं, और कंपोजिट नंबर के जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर दोनों याद रखिएगा एक जैसा ही है, एक का एक में सिर्फ दो फैक्टर हो सकते हैं और एक में दो से ज़्यादा फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर वैसी संख्या
जिसमें मोर देन टू फैक्टर्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 and so on और भी बहुत सारे। देखते हैं फोर के फैक्टर कौन कौन, 1, 2, 4, तो यहाँ पे मोर देन टू फैक्टर हो गए। 6 का कौन कौन फैक्टर है, 1, 2, 3, 6, मोर देन टू फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स, 1, 2, 4, 8, मोर देन टू फैक्टर। 3 का, 1, 3, 9, मोर देन टू फैक्टर्स। 10, 1 है 2, 5, 10, 10 इतने से डिवाइड हो सकता है, तो मोर देन टू फैक्टर्स है। इसलिए यहाँ पे एज इट इज़ डेफिनेशन में बोला गया है कि जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वही कंपोजिट नंबर हो सकता है। यहाँ पे एक नोट है, ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए कि 1 is neither ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 जैसा कि हमने देखा प्राइम नंबर का भी जो कंडीशन था उसको फुलफिल नहीं कर रहा था, एंड कंपोजिट नंबर का भी जो कंडीशन क्या है कि जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, बट 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है वो 1 है। सो दिस इज नॉर ए प्राइम नंबर, नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं होता और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। नेक्स्ट नंबर है हमारा को प्राइम नंबर। टू नेचुरल नंबर्स विच हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, ऐसी दो नेचुरल संख्या, नेचुरल प्राकृतिक संख्या, ऐसी दो नेचुरल नंबर्स जिसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, ठीक है, ओनली वन कॉमन फैक्टर, नॉट मोर देन वन कॉमन फैक्टर, ओके। अगर सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है तो इट मीन्स वो जो दो नंबर हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2, 3। अब ये देखते हैं कि 2, 3 के फैक्टर्स कौन कौन से, तो 2 का फैक्टर क्या है, 1 and 2, एंड 3 के फैक्टर्स क्या है, 1, 3, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, एक ही कॉमन फैक्टर, नॉट मोर देन 1, तो 2 और 3 ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर। 2 and 3 क्या है हमारा, को प्राइम नंबर। अब अगर आप सोच रहे हो कि 2 और 4 क्या प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हो सकता है, तो ये चेक कर लेते हैं कि 2 और 4 है या नहीं। 2 का फैक्टर 1, 2, 4 का फैक्टर 1, 2, 4, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन फैक्टर है, सो दिस इज़ नॉट ए को प्राइम नंबर। ठीक है, दिस इज नॉट ए को प्राइम नंबर, 2 और 4 को प्राइम नंबर नहीं है, 2 और 3 को प्राइम नंबर है। सो ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से को प्राइम नंबर्स है। सबसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिया, 2 and 3, हम लोगों ने देख भी लिया कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, 5, 7, 5, 7, देखते हैं 5 क्या फैक्टर है, 1 and 5, 7 का फैक्टर क्या है, 1 and 7, सो यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो ये हो गया को प्राइम नंबर, ये हमारा को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, सो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन सा हमारा को प्राइम नंबर्स है और कौन कौन से हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, एक एग्जांपल मैंने लिया था 2, 3, ये हमारा को प्राइम नंबर है। 5, 7, दिस इज़ को प्राइम नंबर। 4, 9, ये भी को प्राइम नंबर है। 20, 29, ये भी को प्राइम नंबर है, एटसेट्रा। और सेकेंड डेफिनेशन, टू नेचुरल नंबर्स हुज HCF इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम। जिनका HCF, ऐसे दो नेचुरल संख्या जिनका HCF 1 हो उसको भी हम लोग को प्राइम बोलेंगे। ठीक है, 1 होगा इट मीन्स उसका जो फैक्टर है ना वो एक ही कॉमन फैक्टर होगा, तभी उसका HCF 1 हो सकता है, अदरवाइज उसका HCF 1 नहीं आएगा। तो ये दोनों डेफिनेशन इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है ट्विन प्राइम नंबर्स। हमने देखा प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, अब है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन जो जुड़वा बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ये प्राइम नंबर से ही रिलेटेड है। सो टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स।
टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, यहाँ ध्यान रखिएगा कि दो जो ऑड प्राइम नंबर्स होंगे, इवन प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते हैं, जो ऑड प्राइम नंबर्स होंगे वही ट्विन प्राइम नंबर होगा, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। तो सबसे पहला कंडीशन कि वो नंबर ऑड नंबर्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो सिर्फ दो होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव इसका मतलब लगातार, और डिफरेंस कितने होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो होना चाहिए, तभी वो ट्विन प्राइम नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों ऑड प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 5, 7 दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव है, दोनों ऑड नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। 11, 13, 11, 13 17, 19, 17, 19 29, 31, 29, 31 41, 43, 41, 43 59, 61, 59, 61 ठीक है। और आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं, दो कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन है ऑड प्राइम नंबर होना चाहिए, सेकेंड उन दोनों के बीच का डिफरेंस ओनली 2 होना चाहिए, 2 इट मीन्स वो दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, तभी वो ट्विन प्राइम नंबर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा नंबर है परफेक्ट नंबर। सो परफेक्ट नंबर, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर देन दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। कहने का मतलब परफेक्ट नंबर वो संख्या होती है कि अगर उनका जो फैक्टर है उसका सम, ठीक है, नंबर से डबल हो, जो गिवन नंबर है उससे डबल हो, उसके फैक्टर का सम अगर गिवन नंबर से डबल हो, ट्वाइस दो गुना हो, तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, 6। सबसे फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं 6। तो 6 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 6 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, एंड 6 से डिविजिबल। बोला है कि इनके फैक्टर का सम क्या होना चाहिए, गिवन नंबर से ट्वाइस होना चाहिए। तो सम अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ नंबर। ओके, ट्वाइस ऑफ नंबर है ना, हमारा नंबर कितना था, 6, और एडिशन कितना आया, 12। सो 6 इज अ परफेक्ट नंबर, 6 क्या हमारा परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 28। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 28 का फैक्टर कौन कौन सा है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, देन 4 से, 7, देन 14, एंड देन 28। अब अगर ऐड करें इनको, 1 + 2 = 7, 7 + 4 = 11, 11 + 7 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7, 7 + 7 = 14, 14 + 14 = 28, 28 + 28 = 56। तो ये हो जाएगा 56 नंबर हो गया, जब हमने ऐड किया तो नंबर क्या आया, 56 आया। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ द गिवन नंबर, ये गिवन नंबर से दो गुना। ऐसे हम लोग परफेक्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कि वो गिवन नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं है, उसका फैक्टर जो भी फैक्टर होगा उसको ऐड करेंगे, और अगर गिवन नंबर से दो गुना है, ट्वाइस है, तो वो संख्या परफेक्ट नंबर है। कुछ और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, एक एग्जांपल तो हो गया परफेक्ट का 6 हो गया, नेक्स्ट 28, 400, 96, 81, 28 एटसेट्रा। नेक्स्ट कौन सा टाइप है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज रेशनल नंबर, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रेशनल नंबर वो संख्या है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। और यहाँ ध्यान रखिएगा, पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और इंटीजर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या है, होल नंबर विथ नेगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। सो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो,
क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोल सकते हैं, उस नंबर को रेशनल नंबर। p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए एंड q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग किसको किसको रेशनल नंबर, जैसे 3 बाई टू अगर लिखा है, सो यहाँ देखेंगे p बाई q के फॉर्म में p, 3, q, p की वैल्यू क्या है 3 एंड 2 का वैल्यू, q का वैल्यू 2, दोनों के दोनों रेशनल नंबर और दोनों p बाई q के फॉर्म में और q नॉट इक्वल टू जीरो है। 5 भी हमारा रेशनल नंबर क्योंकि 5/1 इसको लिख सकते हैं। 0 भी हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि ये 0/1 लिख सकते हैं इसको। -1/3 मैंने बोला था नेगेटिव नेचुरल नंबर, तो ऊपर में क्या है नेगेटिव नेचुरल नंबर है। √4 ये भी रेशनल है, √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √2 × 2, सो इसका आंसर क्या होता है 2, 2/1 रेशनल नंबर है। तो इस तरीके के बहुत सारे रेशनल नंबर्स जो भी आपके माइंड में आता है जो p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेशनल नंबर बोलते हैं। दोज नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल मैंने बताया 3/2, 5, 0, -1/3, √4, ओके। अब बोलेंगे कि दशमलव वाले को भी लिख सकते हैं क्या, 0.2, ये भी रेशनल नंबर। 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर, इससे पहले रेशनल था अब इरेशनल। सो ए नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द p बाई q फॉर्म, इससे पहले हमने देखा रेशनल में जो p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता था, बट इरेशनल में p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता। यहाँ भी सेम चीज़ है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, बट p बाई q के फॉर्म में जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे √5, ठीक है, √5 ये p बाई q के फॉर्म में, क्योंकि √5 क्या है इंटीजर नहीं है। अगर इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, √5/1 लिख सकते हैं, बट √ जो 5 है नॉट एन इंटीजर, ओके, √5 नॉट एन इंटीजर, सो इसीलिए ये रेशनल नहीं हो सकता, ये क्या है इरेशनल नंबर है। √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। देन 1/√7, ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है। देन पाई की वैल्यू भी इरेशनल नंबर से, ठीक है, जिसको हम p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है, हमने एग्जांपल भी देख ली। यहाँ तक हमारा पूरा नंबर्स का टाइप्स था, जितने भी नंबर्स अभी हम लोगों ने सारे नंबर्स डिस्कस किए हैं। अगर कुछ और जूनियर लेवल कंपटीशन में इतने ही नंबर से बेसिकली क्वेश्चंस आता है, कुछ और भी नंबर्स हैं जैसे हम लोग इमेजिनरी नंबर्स पढ़ते हैं, रियल नंबर पढ़ते हैं, प्राइम ट्रिपलेट नंबर पढ़ते हैं, रामानुजम्स नंबर भी पढ़ते हैं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट जूनियर लेवल कॉम्पटिशन के लिए नहीं है, इसलिए मैंने वो नंबर्स कवर नहीं किया। अगर कुछ ऐसा होगा कि नहीं वो नंबर कवर करना, तो अगले वीडियो में मैं वो नंबर्स भी कवर कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जिन लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कहीं भी कोई परेशानी हो रही, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन मैंने सही दिया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशंस मिलती रहे, जो भी मैं वीडियो यहाँ अपलोड करता हूँ उसका डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट।